जिला के उपमंडल बगाणा के तहत गांव ननावी के शहीद ब्रिजेश कुमार के नाम पर बनने वाले द्वार का भूमि पूजन शहीद की धर्मपत्नी श्वेता कुमारी ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की उपस्थिति में किया। शहीद की पत्नी ने द्वार के भूमि पूजन के लिए प्रदेश सरकार के साथ साथ कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर का भी आभार जताया। मैं शहीद ब्रजेश कुमार, श्री ब्रजेश कुमार जी की पत्नी हो रही हूँ, श्वेता कुमारी। जैसे कि सरकार ने जब वो शहीद हुए थे तो उन्होंने घोषणाएं की थी कि हम उनके लिए उनके सम्मान में प्रवेश द्वार बनाएंगे, तो आज उन्होंने उनका शिलान्यास कर दिया प्रवेश द्वार का। इसके लिए मैं सरकार का अपने परिवार की ओर से तरफ से धन्यवाद करती हूँ। ये जो सम्मान उन्होंने दिया है, ये एक सम्मान ही नहीं है बल्कि एक प्रेरणादायक है, अगले आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक है। इससे युवाओं को, जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि हम भी देश के लिए कुछ करें। और जो सम्मान सरकार ने दिया है उसके लिए हम सब परिवार की तरफ से उनका जो है धन्यवाद करते हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शिलान्यास में जो भी भूमि पूजन किया गया प्रवेश दरबार के लिए, इसमें हमारे माननीय MLA साहब जी भी आए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस शिलान्यास में उन्होंने आके उद्घाटन जो भी किया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि कुटलैड क्षेत्र के सभी शहीदों की याद में पोर मेमोरियल जनता के सहयोग से बनाया जाएगा। इसके अलावा वीरेंद्र कंवर ने अपने क्षेत्र में बन रही पंचवटी योजना का शुभारंभ इसी ग्राम धुंधला से किया। इसके साथ ही पंचायत में करवाए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे इस ग्राम पंचायत गांव नामी के एक नौजवान 2 वर्ष पहले शहीद हुए थे। उन्होंने जहां इस देश की रक्षा के लिए शहादत दी, वहीं अपने गांव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। आम जनता चाहती थी कि उस शहीद की जो याद है उसको जिंदा रखा जाए। आज उसका जो है वो एक द्वार जो है उस संपर्क मार्ग का, उस शहीद के नाम जो है वो बने। इसका भूमि पूजन आज शहीद के परिवार के द्वारा ही जो है वो किया गया। आज इस तरह के और भी उदाहरण यहाँ इस कुटलैड क्षेत्र के अंदर हैं। एक और सरो गांव का नौजवान, वो भी शहीद हुआ है। हम ये सब चाहते हैं, ये देवभूमि है, वीर भूमि है। जब भी देश के ऊपर संकट आता है तो हमारे नौजवान जो हैं वो सबसे पहले छाती तान करके जो है वो खड़े होते हैं। हम आने वाले समय में जनता चाहती है कि जहाँ इन शहीदों को, शहीदों की स्मृति को हम जिंदा रखें, वहीं क्षेत्र के अंदर एक ऐसा वार मेमोरियल बनाया जाए जो तो पूरे क्षेत्र में आज से पहले जितने भी युद्ध हुए, जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन हुए, उनमें शहीद हुए उनको समर्पित किया जाए। आने वाले समय में जो है वो जनता के सहयोग से, सरकार नहीं, जनता के सहयोग से जो है वो बंगाणा के अंदर जो है इस तरह का वार मेमोरियल भी जो है वो स्थापित करेंगे। और आज जहाँ ग्राम पंचायत के अंदर विभिन्न विकास कार्यों के लिए, जहाँ संपर्क मार्गों के लिए भूमि पूजन भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ, लेकिन एक हिमाचल प्रदेश सरकार की, जहाँ गांव के अंदर पर्यटन बढ़े इसके लिए भी, और गांव के बुजुर्गों के लिए, गांव के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए खेल कूद वाटिकाएँ ऐसी जो है वो बनाई जाए जहाँ पर पर्यावरण का भी संरक्षण हो, बच्चों को खेलने का स्थान भी हो, बुजुर्गों के लिए टहलने का, योग करने का भी स्थान हो, और
वो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो, इस योजना की भी जो है वो हमने आज ग्राम पंचायत धुंधला से जो है वो आज दो वाटिकाओं का भूमि पूजन करके इनकी जो है वो शुरुआत की है। धन्यवाद। ऊना से जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ विशेष संवाददाता विपिन साजन की रिपोर्ट।